ये ड्रामा है क्या? आपके और खेतों के बीच में क्या रिश्ता है? मैं भी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 70वीं मंजिल पर बैठा यही सोचता था, मेरा खेती से क्या रिश्ता है। पर मुझे इस जमीन पर आकर समझ आया कि इस धरती पर रहने वाले हर एक आदमी का खेती से रिश्ता है। नाश्ते में ब्रेड जैम खाने वाले अरबपति से लेकर चावल खाने वाले गरीब तक, खाना खाने वाले हर आदमी का खेती से रिश्ता है। पर हम सब उस किसान से रिश्ता तोड़कर जीते हैं जो हमारे लिए खेती करता है। कैसा रिश्ता सर? किसान अपना काम कर रहा है, हम अपना काम मतलब कर रहे हैं। किसान और हम एक से है सर। किसान और हम पैसे के लिए काम करते हैं ना। पैसे? हाँ, 2 महीने तक तनख्वाह ना मिले तो क्या करेंगे सर? अपनी बचत से खर्चा चलाऊंगा। अगर कंपनी 6 महीने तक तनख्वाह ना दे तो उस नौकरी से इस्तीफा देगा, दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। किसान भी ऐसा सोचे तो हमारा क्या होगा सर? हमारी तनख्वाह 2 साल में ना बढ़े तो हम सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं, पर किसान चाहे वो बोए हुए फसल से सालों तक मुनाफा ना कमाए, वो कामयाब होने की उम्मीद में बोए हुए हर बीज में अपनी जिंदगी ढूंढता रहता है। तो हम और किसान एक कैसे हुए सर? तो फिर क्या है सर, हम भी कपड़े बदल कर खेती करना शुरू कर दें? खेती कपड़े बदलने जितनी आसान नहीं है सर। ये इंसान और धरती के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा विज्ञान है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते, जिसे सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। ऐसे किसान की आत्महत्या की हमें कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अखबारों की खबर बनकर रह जाती है। जब किसान मर जाता है तो हम उसके परिवार का हाल नहीं समझते। खेती करने वाले कम हो रहे और खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए बाजार में कीमत बढ़ने के साथ मिलावट भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो आप अपने आने वाले बच्चों को जो पैसा देंगे उससे उनका हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं चलेगा। जमीन की कीमत ज्यादा और किसान की कीमत कम, जमीन की बढ़ती कीमतों के बावजूद हम घर बनाते रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। पहले ही हमारी पीढ़ी खेती को नहीं जानती है। आने वाली पीढ़ियों को खेती सिर्फ इतिहास की किताबों में दिखेगी। किसान कभी हिम्मत से जीतता था लेकिन अब डर में भी जी रहा है। पानी ना मिलने के डर से फसल बोने से डरता है, पानी मिल जाए तो फसल ना काट पाने का डर, काट ले तो उसे सुरक्षित रखने का डर। इन्हीं डर की वजह से वो अपनी फसल को कोड़ियों के दाम पर बेचते जा रहे हैं। उनसे खरीद कर लोग फसल आगे 10 गुना पर बेचते हैं तो खाना उगाने वाला सब खो रहा है, और खाने वाला मतलब हम भी हार रहे हैं। पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग किसानों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आपका ये सवाल सरकार से है? नहीं, हम सब से है। सरकार कौन है? हम ही है ना। किसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान का है, मेरा भी। इसीलिए किसान की सुरक्षा के लिए मैं अपनी कमाई का 90% किसान कल्याण के लिए दे रहा हूं। सीएम सर, उम्मीद है कि आप ये देख रहे होंगे, हर एक गांव में एक गोदाम, हर मंडल मुख्यालय में एक कोल्ड स्टोरेज। मैंने ये सब बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, उम्मीद है आप साथ देंगे सर। अब से हर एक किसान अपनी फसल हिम्मत से बेचे, डर से नहीं। फसल उगाने वाला बेचने की परेशानी क्यों उठाए? हम किसानों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पर एहसान कर रहे हैं। मैं ये किसानों के प्रति सहानुभूति से नहीं बल्कि इज्जत से कर रहा हूं। किसानों को हमारी सहानुभूति नहीं, इज्जत चाहिए, जो हमें उन्हें देनी होगी।